लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हाँ, मैं बना लेता हूँ। बेचारा, एक गधे का बोझ लाद दिया गया उस पर, है ना? देवी जी, हमें तो लगता है कि एक गधे का नहीं, कई गधों का बोझ लाद दिया गया है इस पर, है ना? अभी मजा आएगा देखना। हेमल! गीता संभाला। यहाँ पर रख दो। कामिनी, ये क्या हरकत थी? अभी किताबें गिर पड़ती तो? गिरी तो नहीं ना। लेकिन गिरी क्यों नहीं? मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य आदमी ने मुझे पकड़ लिया हो। मेरा मतलब है कि यू मीन क्या कह रहे थे तुम? अदृश्य आदमी ने तुम्हें पकड़ लिया था? हाँ, अदृश्य आदमी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि किताबें मुझ पर गिरते गिरते वापस चली गई। देवी जी, दरअसल हुआ ऐसा होगा कि किताबों ने जब ऊपर से गिरना शुरू किया होगा ना, तो उन्होंने नीचे देखा होगा, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि वो कहाँ गिर रहे हैं। झट से उन्होंने अपनी गलती सुधार ली होगी और वापस चले गए होंगे। शट अप। देवी जी जब कभी अनुत्तरित हो जाती है ना, तो यही कहती है कि शट अप। आप गीता विश्वास है? जी हाँ, बोलिए क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मेरे पति गायब हो गए हैं। देवी जी, इसमें हमारी ये देवी जी क्या कर सकती हैं? इन्हें किसी को गायब कराना नहीं आता। गंगाधर प्लीज, देखिए आप वहाँ गुमशुदा डिपार्टमेंट में जाकर इश्तिहार दे दीजिए। ओके, मेरे पति लापता नहीं हुए, वो गायब हो गए हैं।
मेरा मतलब है वो दिखाई नहीं देते। ओहो ओहो, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। हमारे यहाँ भी एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम है बाकू, वो भी प्रायः दिखाई नहीं देता, है ना देवी जी? आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पति अदृश्य हो गए हैं। आई मीन ही इज इनविजिबल। यू मीन इनविजिबल मैन? अर्थात अदृश्य आदमी। आज दोपहर जेजे रिसर्च सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ। जेजे रिसर्च सेंटर के सभी कमेटी मेंबर्स हॉल के बाहर चीखते चिल्लाते हुए निकल आए और चबूतरे पर खड़े होकर कहने लगे कि उन्होंने जेजे साहब के भूत को देखा था जो वहां उन्हें सजा देने के लिए आया हुआ था। सभी कमेटी मेंबर्स की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इनमें से एक मिस लीला का कहना है कि ये काम जेजे साहब के भूत का नहीं बल्कि किसी इनविजिबल मैन का है। मिस लीला के अंदाजे के मुताबिक ये काम जरूर किसी वैज्ञानिक का है जो जेजे रिसर्च सेंटर में अपने ऊपर किए गए बुरे बर्ताव का बदला लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ आज शाम एक औरत शांति ने अपने पति प्रोफेसर बटावनेकर के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि उनके पति अदृश्य हो गए हैं। काबिले गौर है कि प्रोफेसर बटावनेकर जेजे रिसर्च सेंटर में कई दिनों से काम कर रहे थे। शांति जी, आपका कहना है कि आपके पति प्रोफेसर बटावनेकर अदृश्य हो गए हैं, क्या ये वाकई पॉसिबल है? क्या आप दोनों का कोई सुबह झगड़ा तो नहीं हुआ था? वो मुझसे नाराज थे, मैंने उन्हें कभी नहीं समझा। आज सुबह उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि वो अदृश्य हो गए हैं और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। वो सचमुच अदृश्य हो गए हैं। वो जहां कहीं भी हो, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। वो वापस घर लौट आए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज कम हो। नताशा, हमें वो हथियार मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। हथियार? कौन सा हथियार? वही जो हमारी मायावी शक्तियों की कमी पूरी कर सकता है, इनविजिबल मैन यानी अदृश्य मानव। अगर ये फार्मूला हमें मिल जाए तो हम भी अदृश्य हो सकते हैं। और अदृश्य होकर हम तो शक्तिमान के हाथों से बच सकते हैं, लेकिन हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा वो शक्तिमान। बॉम्ब किधर लगाने का बॉस? इसी बिल्डिंग में, लेकिन होशियारी के साथ। सर, ये तो अपनी ही बिल्डिंग है और आप अपनी ही बिल्डिंग में? मैं समझा नहीं सर। मेहता, अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो आज तुम मेरी जगह होते। तुम्हें मालूम है ये बिल्डिंग मैंने 5 साल पहले बनवाई थी और तब से ये बिल्डिंग से भाव लगातार गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने मैंने आज तक भाव कम नहीं किए। इसीलिए अब तक हमारे 80% फ्लैट नहीं बिके और अब ये फ्लैट्स बिकेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं इन फ्लैट्स को खत्म कर देना चाहता हूं। लेकिन टेक इट इजी मेहता, टेक इट इजी। आखिर बीमा कंपनी वालों को भी तो कुछ काम करना चाहिए। हम कब तक बीमा कंपनी के किस्त भरते रहेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए कहता हूं मेहता, सोचा कम किया करो और काम ज्यादा किया करो। तुम लोग क्या सोच रहे हो? जाओ अपना काम शुरू करो। ओके बस चलो। आधा घंटा, आधा घंटा। आधे घंटे में इस बिल्डिंग के चित्र, आधे घंटे में इस बिल्डिंग के चित्र, आधे घंटे में इस बिल्डिंग के चित्र।
ये है तुम लोगों की सजा। जानता हूं कि तुम यहां हो, तुम मेरी नजरों से नहीं छिप सकते। वाकई तुम जीनियस और शक्तिमान, तुमने मुझे अदृश्य होने के बावजूद देख लिया, वरना आज तक मैं दिखाई देने के बाद भी किसी को नजर ही नहीं आया। तुमने अच्छाई का साथ दिया है प्रोफेसर, शक्तिमान उनके साथ है जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। शक्तिमान तुम्हारी काबिलियत की कद्र करता है प्रोफेसर। शक्तिमान ये भी तुम्हारी काबिलियत है, क्योंकि एक समझदार आदमी ही दूसरे समझदार आदमी की कदर कर सकता है। लोग तो मुझे नाकारा और सनकी समझते थे, इसीलिए मैंने ये आविष्कार किया ताकि सबके सामने साबित कर सकूं कि मैं नाकारा और सनकी नहीं, लेकिन एक महान वैज्ञानिक हूं, द ग्रेट साइंटिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि तुम ग्रेट हो प्रोफेसर, मगर अपनी महानता साबित करने के लिए अपने घर को छोड़कर अपनी पत्नी को परेशान करना, ये कहां की महानता है प्रोफेसर? वो भी उन्हीं में से हैं जो हमेशा मुझे नजरअंदाज करती हैं, और सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए मैंने घर छोड़ने की धमकी दी थी ताकि उसे मेरी कीमत कुछ पता चले। नहीं प्रोफेसर, सच तो यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेहद चाहती है, शायद वो तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम नहीं जानते प्रोफेसर वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। शांति, मेरे लिए परेशान? हाँ, अपने घर जाओ प्रोफेसर, उसे अपनी गलती का एहसास है। वो लोग सचमुच ग्रेट होते हैं प्रोफेसर, जिन्हें दूसरों के एहसास का एहसास होता है। जाओ अपने घर, जाओ। जी। बेटे, स्कूल को देरी हो रही है, कैसेट तो अपना ही है, शाम को देख लेना। ओके, तुम शाम को बोलते हो सुबह देखना, सुबह को बोलते हो शाम को देखना। अच्छा बाबा, आज शाम को मना नहीं करूंगी, लेकिन अब स्कूल को देरी हो रही है, नहीं तो टीचर डांटेगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो, बाहर की कुछ चीजें मत खाना, अपना टिफिन खाओ। ओके मम्मी। बाय बेटा। बाय बाय। साहब, यही है प्रोफेसर भटावनेकर का बेटा। हेलो बेटे। हेलो अंकल, आप कौन है? मैं अभी तो बेटा तुमने मुझे अंकल कहा ना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये लो चॉकलेट, ले लो बेटे, शर्माओ मत। नहीं मम्मी ने ना बोला है, बाहर वालों की चीजें मत खाना। लेकिन बेटा मैं बाहर वाला कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, ये लो। अभी लोगे तो मम्मी को कैसे पता चलेगा? ये लो बेटे चॉकलेट। लेकिन अब मम्मी को मत बताना। नहीं बताऊंगा बेटे, नहीं बताऊंगा। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा। Ha ha.
मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कीमत मालूम हुई होगी। तुमने देखा शांति, आज शहर में ही नहीं सारे देश में एक ही चर्चा है, इनविजिबल मैन यानी तुम्हारा पति। तुम देखना चाहोगी शांति? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा पति कितना महान है। कितना ग्रेट है, कितनी बड़ी इजाद की है उसने। काश तुमने इजाद ना की होती। क्या, कैसी बकवास कर रही हो तुम? तुमने मुझे हमेशा दुख दिए, मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया। आधी जिंदगी तो तुमने कुछ ना करके मुझे परेशान किया और अब कुछ किया, मुझसे मेरी ममता छीनने का आविष्कार किया, अपने बच्चे के लिए दुश्मन इजार किए तुमने। मतलब हमारा राजू? हाँ राजू, अपना राजू, वो अजनबी हत्यारों के बीच पता नहीं किस हालत में होगा, उसके जिम्मेदार भी तुम हो। शांति, शांति हुआ क्या है अपने राजू को? ये देखो, ये चिट्ठी देकर गए हैं वो लोग। अगर रात तक उनको फॉर्मूला नहीं लौटाया तो अपने राजू को मार डालेंगे। फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला। तुम जानती हो शांति कितने साल लगे हैं इस फॉर्मूले को बनाने में, कितना दुख उठाया मैंने इसके लिए। और मेरा बच्चा? मैंने भी तो उसके लिए दुख उठाया है, इतने सालों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्रोफेसर का बच्चा अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वो इनविजिबल बनकर आ गया तो? नो 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 नो, ये डॉक्टर सामरी का घर है, यहाँ आने वाले हर जिंदा आदमी के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी देख लेता है डॉक्टर सामरी। यहाँ आकर वो कभी नहीं छुप सकता। वो आ गए, कम दरवाजे पर। वो सचमुच अदृश्य होकर आ गए। तुम तो कहते थे सामरी कि तुम रूहे भी देख लेते हो, फिर कहाँ है वो? आई नो, वो दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के अंदर आते ही वो नजर आएगा। यस, लो वो आ गया। I know, वो वहां पर है, जहां जहां उसके कदम पड़ेंगे ये लाल लाइट चलेगी। सचमुच चालाक है प्रोफेसर। मगर शेर की मांद के अंदर किसी की चालाकी नहीं चलती। अब इस जुए बिल्ली के खेल को खत्म भी करो सामरी। यस माथुर, ये लो। बस प्रोफेसर बस, हमें पता चल चुका है कि तुम यहाँ आ गए हो, अब सीधी तरह से अपनी असलियत पर आ जाओ वरना तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा।
शाबाश प्रोफेसर, शाबाश। वाकई तुम एक अच्छे बाप भी हो। अब एक समझदार दुल्हन की तरह अपना मुखड़ा भी दिखा दो। सकती है फूलों